इस्तकबाल कीजिए। करो सर, क्लैपिंग कर दो। ठीक है जी। इंडियन आर्मी की तरफ से जो आरओ प्लांट लगाया है इधर हमारे स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैरी में, उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे प्रधान जोगिंदर सिंह जी जो डीडीसी मेंबर हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आगे आकर उनकी इनॉग्रेशन के लिए चलें। आए हुए कैप्टन कुलदीप जी, उनके साथ साथ हमारे सूबेदार साहब जिनका बहुत अहम रोल है हमारे इस बैकवर्ड पिछले हुए इलाके के योगदान के लिए, और इस स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जहां पर आए हुए हमारे इस एरिया के हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई, हमारे बहनें, और इस स्कूल के स्पेशली जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बारी मैं हूं मीडिया पर्सन का, क्योंकि शहर में तो कवरेज करना बहुत आसान है, ऐसे दूर दराज पिछड़े हुए इलाके में कवरेज देना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है। और इन हमारे भाई बंधुओं ने आज साबित कर दिया है, आज इन्होंने साबित कर दिया है, ये आपको देश विदेश के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए इनका बहुत अहम रोल है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा आभारी हूं जिन्होंने आज का ये जो इनिशिएटिव लेके इतना बड़ा कदम उठाया है आप बच्चों के लिए स्पेशली, और इस स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, इसके साथ साथ जहां के लोकल्स भी जो हैं, इनके लिए जो कदम उठाया है हमें मालूम है बच्चों, हम भी आपकी तरह इसी ब्लॉक के हैं, और ऐसे ही इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आप लोगों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए हम आपके और आपके पेरेंट्स के बहुत बड़े आभारी हैं। बच्चों एक बात याद रखना, दिल लगा के मेहनत जियो, जान से पढ़ाई करना बेटे। मेरी ख्वाहिश ये है अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लेके पास होंगे, आप अपने पेरेंट्स का तो नाम रोशन करोगे, आपके स्कूल का नाम भी रोशन करोगे, उसके साथ साथ बेटा हमारा भी कद और बढ़ जाएगा। आज हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैरी में इकट्ठे हुए हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने सतभा बड़ांगे तायद आरओ इंस्टॉल किया है। हम इंडियन आर्मी के बहुत बड़े आभारी हैं, स्पेशली हमारे कैप्टन कुलदीप सिंह जी और हमारे सूबेदार अमरीक सिंह जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है जहां पर हायर सेकेंडरी में पीने के पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इंडियन आर्मी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बच्चों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए ये जो कदम उठाया है, हम इंडियन आर्मी के तहे दिल से बहुत बड़े आभारी हैं। जे इन्होंने जो आरओ इंस्टॉल किया है,
एक तो स्कूल वालों के पास ऑलरेडी एक इनकी अपनी स्कीम के तहत एक जो फ्रिज अवेलेबल था, और इंडियन आर्मी ने अपना आरओ कम फ्रिज जो है इंस्टॉल करके जहां पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो कंडी बेल्ट है, जब भी बच्चे जहां पर ठंडा पानी पिएंगे और मतलब फिल्टर्ड पानी पिएंगे, तो उनके अंदर आत्मा जरूर इंडियन आर्मी के लिए दुआएं देगी। सर, बहुत बार देखा गया है कि खासकर दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आर्मी के द्वारा इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, चाहे कंप्यूटर शिक्षा हो लड़कियों के लिए या आज आरओ का जो ये लगाया है, तो किस तरह से देखते हैं इंडियन आर्मी की इन स्कीम्स को, ये लोगों के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है? इंडियन आर्मी के हम ऑलरेडी पहले बहुत बड़े आभारी हैं। अगर हम लोग अपने घरों में सोते हैं तो इनकी देन है, इनकी वजह से सोते हैं। जो बॉर्डर पे रात भर जाके अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं, और ये जो इनिशिएटिव अभी ले रहे हैं हमारे दूर दराज के इलाकों के लिए, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। हमारे जो मतलब दूर दराज के क्षेत्र हैं, इन लोगों को, हमारे बच्चों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और आगे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंडियन आर्मी से, और हम आभारी हैं इंडियन आर्मी के, ऐसे ही पॉजिटिव स्टेप्स जो हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके रिलेटेड लेते रहें। और हम लोग जो हम गरीब आवाम हैं, हम तो दुआएं दे सकते हैं, दुआओं से बड़ी कोई अनमोल चीज़ नहीं है। इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। एक्स सरपंच पंचायत कैरी ब्लॉक मथवार, आज जो इंडियन आर्मी ने हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में जो कार्य किया है, जो आरओ प्लांट का इस्टेब्लिश किया है, मैं इनका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि हमारी काफ़ी दिनों से डिमांड थी, हमारे पास अमरीक सिंह साहब आते थे, इन्होंने पूछा था कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमने बहुत रिक्वायरमेंट दिया कि साहब हमें जो है बच्चों के लिए आरओ फिल्टर पानी है, गंदा पानी आता है नलके से, वो बच्चे बीमार होते हैं, तो इन्होंने ये काम हमारा रखा। तो काफ़ी साल, दो साल के बाद ये हमारा सेक्शन हुआ काम, और इन्होंने आज ये है आज कंप्लीट कर दिया। मैं इनका बहुत धन्यवाद हूँ, ये हमें समय समय पर आके जो भी स्कीमें होती हैं, जो भी आर्मी के रिलेशन स्कीमें होती है वो हमें बताते रहते हैं। और भी कई इन्होंने कार्य, अच्छे कार्य किए। पिछले साल हमें जो है बच्चों की जो है फिजिकल ट्रेनिंग इन्होंने किया हमारे गाँव में, जो उसमें से हमें फ़ायदा मिला, जो बच्चे अभी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं उसमें से कुछ हमारे बच्चे जो है अग्निवीर में चले गए हैं, काफ़ी इलाका इन्होंने कवर किया है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा इनका इलाका है डेरा बब्बर तक, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं, और ये हम इनको दुआ देते हैं कि ये बॉर्डर पर तो काम करते ही करते हैं, मगर सद्भावना के तहत जो ऑपरेशन इन्होंने चला रखा है लाइजिन सिविलियन के साथ, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। क्योंकि सिविलियन के साथ जो सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मैं इनका फिर धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कैरी आर्मी हेडक्वार्टर अखनूर का थैंक्स कहना चाहती हूँ। जे टाइम टू टाइम स्कूल विज़िट करते रहते हैं, अभी पिछले दिनों जो टीचर्स डे पे भी स्कूल आए थे, टीचर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया, बच्चों से मिले, तो हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जहां पानी की बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल में, तो उन्होंने आज वो अपना प्रॉमिस जो था वो पूरा किया, हम बड़े थैंकफुल हैं। और जहाँ आए हुए मेहमान हमारे DDC मेंबर, उनका बड़ा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अपना कीमती वक्त निकाल के आए, सरपंच साहब सब इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और आर्मी हेडक्वार्टर जो हमारे कैप्टन साहब आज कुलदीप जी आए हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सद्भावना के तहत हमारे बच्चों का एक ऑल इंडिया टूर जो है इन बच्चों के लिए रखें। डेफिनेटली। मेरा नाम केशव सड़ोत्रा है, मैं क्लास 11th का छात्र हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैरी, और मैं आर्मी के जो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स अखनूर है, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। जो हमारे स्कूल में पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी मिलता भी था तो प्योर पानी नहीं मिलता था, साफ़ पानी नहीं मिलता था, और अब हमारे ये जो आरओ प्रोजेक्ट लगा इसकी वजह से हमें पानी जो बिल्कुल साफ़ मिलेगा, और इसमें इसकी वजह से मैं आर्मी इंडियन आर्मी का बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ, और जो साथ में इधर हमारे DDC के जो चेयरमैन आए हैं उन सभी का, और टीचर्स का, सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ।